एक कहानी मैंने बहुत पहले भी बताई, आज भी बताने जा रहा हूँ। उस बताने के साथ कहानी का मकसद और उद्देश्य एक ही है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। शर्त क्या है, शर्त बताऊंगा। एक लड़की यूपी की अरुणिमा सिन्हा, एक बार मैंने और उस कहानी को दोहराया था कि एक लड़की अरुणिमा सिन्हा जो जा रही थी ट्रेन में, अचानक कुछ गुंडों ने उस पर हमला किया। उस लड़की पर ट्रेन में जा रही थी, चैन छीनने के चक्कर में हमला किया उस लड़की पर, ट्रेन से नीचे गिर गई, दोनों पैर ट्रेन के नीचे आ गए। अरुणिमा सिन्हा दोनों पैर कट गए। ट्रेन के नीचे आने के बाद पूरी रात स्टेशन पर पड़ी रही वो लड़की, पूरी रात ट्रेन पे जंगलों के बीच दो लाइनों के बीच पूरी रात वो लड़की पड़ी रही। कीड़े और मकोड़े उसके हड्डियों और स्किन को चाट रहे थे उस लड़की को। 51 से 52 ट्रेनें पूरी रात गुजरती चली गई, वो लड़की पड़ी रही। सुबह वो लड़की को उठाया गया, अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। होश में आती है, होश में आते उस लड़की ने कहा, भगवान अगर तूने मुझे बचाया है तो यकीनन इतिहास रचने के लिए मैं इतिहास रचूंगी, मैं एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी, मैं एवरेस्ट फतह करूंगी। बछंदरिया पाल के पास जाती है और कहती है, मैं एवरेस्ट फतह करना चाहती हूँ, मैं एवरेस्ट जीतना चाहती हूँ, मैं एवरेस्ट पे जाना चाहती हूँ। बछंदरिया पाल ने कहा, ए बेटी ऐसी अवस्था में तू एवरेस्ट पे जाएगी, दोनों पैर कटे हुए हैं, आप तो बैसाखियों के सहारे तो चल रही है, इसी अवस्था में जाएगी? तू जाएगी नहीं, तू जा चुकी है। दुनिया के सामने उस डेट का आना बाकी है, उस तारीख का आना बाकी है। उद्देश्य था बताने का कि इंसान विकलांग मन से होता है, तन से कभी विकलांग नहीं होता। जिस दिन इंसान मन से विकलांग हो गया, उस दिन उसका सत्यानाश है, उस दिन वो बर्बाद हो जाएगा, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इसलिए आज फिर भी मैं आपको एक संदेश देता हूँ कि कभी मन से विकलांग हमेशा तरोताजा रहिए एक नई सोच के साथ, क्योंकि इंसान उम्मीदों से ही जीता है और उम्मीदों से ही घायल होता है। कभी आप घायल मत होना, हमेशा जिंदा रहना और अपने इस बिलीफ सिस्टम को अपने अंदर तैयार करते रहना। और सर्व शिक्षा सेवा समिति ने वो मंच तैयार कर दिया है कि तुम्हारे हर आवाज पे लब्बैक कहा जाएगा, तुम्हारे हर आवाज के साथ तुम्हारे साथ चला जाएगा। हम अपने बात को ज्यादा न खींचते हुए एक और हमारे बीच में मेहमान आए हैं, हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे मेहमानों को आप सुन रहे हैं, धर्म गुरुओं को सुन रहे हैं, और आप लोगों ने जो परिचय दिया है शांति का, यकीनन हम एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बौद्ध शिक्षण संस्थान के तरफ से आए हुए श्रीमान यानी श्रद्धे देवेंद्र थेरो जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए आप बताएंगे कि उस पैगाम को, उस संदेश को कि हर चीज को सच्चाई की कसौटी पर तोलो और तोलो तब बोलो, या संसार में दुख क्या है, दुख के कारण क्या है और उस कारण के निवारण क्या है, इन तमाम चीज़ों पे और अपनी जो जो भी खूबियां हैं उस धर्म की, उन खूबियों पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच में श्रीमान देवेंद्र थेरो जी टाइज पे आइए। धन्यवाद संचालक महोदय जी। आज इस परसा पलई बिहा के इस विद्यालय के प्रांगण में सर्व शिक्षा सेवा समिति द्वारा जो ये आयोजित कार्यक्रम शांति सम्मेलन जो आयोजित किया गया, सबसे पहले तो मैं उन सभी युवा आयोजक साथियों को अपनी ओर से, इस मंच की ओर से ढेर सारी शुभकामना मंगल कामना करता हूँ कि युवा शक्ति ने इस छोटे से गांव में सामाजिक बुराइयों के उन मूल्यों को समझते हुए उनको मिटाने के लिए एक मंच पे, एक ऐसा मंच तैयार किया जहाँ से हम वो संदेश दे सकें कि अनेकता में भी एकता कायम की जा सकती है और ये धरती
ने पहले भी पूरे विश्व को शांति का मार्ग दिया, उन्नति का मार्ग दिया, तो ये देश आज भी इस छोटे से ग्राम से भी हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान पे एक विचार मंथन करके हम आपसी विभेद को मिटाते हुए आपसी वैमनस्यता, जहां बहुत सारी अनगिनत समस्याएं हैं, जहां देश क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद और मतांतरों में विघटित हुआ हुआ, ऐसे समय में भी हम उस मानवीय धर्म को जीवित रखने की मशाल इस मंच के माध्यम से जलाना चाहते हैं कि जिससे संसार में पुनः शांति कायम हो सके, और इस मंच की शोभा को बढ़ाने के लिए जो इस कार्यक्रम में हरिद्वार से चलकर के मुख्य अतिथि माननीय भरत प्रसाद शुक्ल जी जो यहाँ आए, उन्होंने अपने बहुत ही विचारोपदक अपनी देशना दी और उन्होंने उन मानवीय मूलों को बड़े ही बेहतर ढंग से समझाने का प्रयत्न किया कि जिससे हम अपने अंदर की कमियों को दूर कर सकें और एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकें, एक आदर्श व्यक्ति का जो चरित्र होता है उस चरित्र को हम धारण कर सकें। उसी तरह से दूसरे जो हमारे प्रमुख वक्ता थे परवेज आलम अब्दुल हलीम मदनी साहब, दूसरे साहब महफूजुल रहमान मदनी साहब, और जिन्होंने जो अभी वक्तव्य जिनका देना बाकी है, साथ ही इस परसा पलईडी के प्रधान अमरनाथ मौर्य वर्मा जी जिनके सहयोग से युवा साथी, खास तौर से शाहिद भाई को जिन्होंने मुझे बार बार फ़ोन करके इस कार्यक्रम में आने के लिए प्रेरित किया, मैं उनका पुनः एक बार बहुत ही धन्यवाद करता हूं और अपने आप को शुक्रगुजार मानता हूं कि मुझे इस अवसर इस मंच पे आने का अवसर मिला। वैसे तो आप भगवान बुद्ध के बारे में बहुत कुछ जानते हो क्योंकि ये धरती ही बुद्ध की धरती है। अगर हम इसके दाईं ओर देखते हैं तो सिद्धार्थ नगर जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, और अगर मैं जहाँ से मैं खड़ा हूँ यहाँ से बाईं तरफ देखता हूँ तो श्रावस्ती, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 25 वर्ष व्यतीत किए और जहाँ पूरे त्रिपिटक साहित्य, जहाँ भगवान ने 84,000 धर्म स्कंद कहे, उसका 75% उपदेश भगवान बुद्ध ने, 60,000 उपदेश जेतवन में बैठ के भगवान ने दिए उस धम्म सभा मंडप पे, जहाँ से पूरी दुनिया आज चल के आती है उस पावन भूमि का नमन करने। आप लोग धन्य हैं कि आप लोग इस दो जगहों के बीच में हैं। कभी ये बुद्ध की गोचर भूमि थी, यहाँ भगवान बुद्ध और उनके शिष्य अरहत लोग आया जाया करते रहे होंगे, तो आप लोग बहुत ही पुण्यवान हो, सौभाग्यशाली हो कि आप बुद्ध की भूमि से हो। और जब हम बुद्ध का नाम लेते हैं तो अपने आप में एक ऐसे
ऐसे व्यक्तित्व का हमें दीदार होता है कि जिसका धर्म ही करुणा हो, जिसका धर्म ही मैत्री हो, जिसका हृदय प्रेम से भरा हो और जिसका धर्म ही शांति हो। चाहे वो इसी जेतवन में चिंचा जैसी स्त्री जिसने बुद्ध के ऊपर आरोप लगाया कि बुद्ध जो है दुराचारी है, इन्होंने मेरे साथ अनाचार दुराचार किया, और भरी सभा में वो कहती है कि मेरा इनका गर्भ मेरे पेट में पल रहा है। लेकिन बुद्ध उतने बड़े आरोप पे भी विचलित नहीं होते और शांति ही बनाए रखते हैं। अष्टमंगल गाथा में आता है कि चिंचाय दुठ वचनं जनकाय मज्जे संतेन सोम विधना जितवा मुनिंदो तं तेज सा भवतु तेजय मंगलानी, कि मतलब उस इतने बड़े आरोप को भी बुद्ध शांति के साथ सहन कर सकते हैं। और हम लोग एक छोटा सा शब्द नहीं सह पाते, तो हमें बुद्ध की उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि असत्य भले ही कितने पुरजोर तरीके से कहा गया हो, लेकिन वो सत्य नहीं है तो एक न एक दिन ढह जाएगा, गिर जाएगा। और सत्यवान व्यक्ति में अपना शील होना चाहिए, अपना संयम होना चाहिए, उसका अपना सदाचार होना चाहिए। तो लोग कहते हैं ना कि सांच को आँच नहीं, तो इस तरह का कुछ चरित्र निर्माण की बात बुद्ध करते हैं। साथ ही भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि युद्ध से कभी युद्ध करके कभी जीत हासिल नहीं की जा सकती। युद्ध कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि युद्ध एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण है। जब हमें कोई गाली दे और हम उसको गाली बदले में दे दें, तो हमको तैयार हो जाना चाहिए कि अभी इसके बाद ये गाली हमें जरूर देगा। तो इसी को भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा कि नहीं वेरेन वेरानी सम्मंती दुकुदा चलंग अवेरेन चपसती एस धम्मो सनंतनो, कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। जिस तरह से आप जानते हो कि कभी मल को मल से नहीं धोया जा सकता, मल को धोने के लिए जल की आवश्यकता है, तो वो जल आपके पास जब तक शांति का नहीं होगा, करुणा का नहीं होगा, प्रेम का नहीं होगा, जब तक आप उसके ऊपर अनुकंपा नहीं करेंगे, जब तक आप उसको अज्ञानी और अबोध समझ करके क्षमा नहीं करेंगे, तब तक आपका वैर शांत नहीं होगा। इसलिए यदि आपको वैर मिटाना है, दुनिया में शांति कायम करनी है, तो आपको क्षमा सीखना होगा, निर्वैरता सीखनी होगी। और जो निर्वैर होता है वही व्यक्ति भय रहित होता है। यदि जिसके अंदर वैर भाव है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो वो उसी प्रकार कार्य करेगा, वो भय उत्पादक ही कार्य करेगा। और जब व्यक्ति भय उत्पादक कार्य करेगा, तब तक उसका भय बढ़ता ही जाएगा। न तो उसके स्वयं के जीवन में शांति होगी, न उसके चिंतन में शांति होगी, न उसके मनन में शांति होगी, न उसके व्यवहार में शांति होगी, न उसके आचरण में शांति होगी। जब हमारे चारों तरफ अशांति ही अशांति होगी, तो हम परिवार में क्या, समाज में क्या, राष्ट्र में क्या और विश्व में क्या शांति कायम करेंगे। जब व्यक्ति भीतर ही जल रहा हो,
तो शांति की बात नहीं कर सकता। शांति की बात तो व्यक्ति कर सकता है जो खुद उपशांत हुआ हो, जो खुद भय रहित हो, वही दूसरों को भय मुक्त कर सकता है। जो शांत है वही दूसरों को शांत कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो जब इस देश के लोग, इस धरा के लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जब तक समझेंगे, यदि उन्होंने उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया, और जिस दिन से उनके मुंह से यह शब्द प्रस्फुटित हुआ, जब शब्द उनके मुंह से निकला कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, उस दिन हम दुनिया में शांति कायम कर सकेंगे। और जब जब हम युद्ध की मांग करेंगे, तब तब अशांत होंगे, हमारे जीवन में हमारी खुशहाली छिनेगी। तो इसलिए युद्ध नहीं हमें बुद्ध चाहिए, यह घोष जब हो तभी कहीं जा करके हम शांति की बात कर सकते हैं। लोग आपसी स्वार्थ को, आपसी द्वेष को, आपसी हित के लिए युद्ध को भी धर्म का नाम देते हैं। और ये सृष्टि, ये दुनिया इस बात की गवाह है कि एक नहीं लाखों करोड़ों युद्ध इस धरती पे लड़े गए, और उन सबको कहीं ना कहीं उसके पीछे निजी स्वार्थ थे, और लोगों ने, उसके चालाक लोगों ने, चाहे वो राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे जो भी हो, उन लोगों ने उसको बड़े चालाकी के साथ धर्म का नाम दिया। और आधुनिक भारत में उसी को लोग जिहाद का नाम दे देते हैं। तो युद्ध तो कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता, धर्म कभी युद्ध होगा ही नहीं। भरत व्यास जी ने अभी जब धर्म की परिभाषा कर रहे थे कि धर्म तो मनुष्य का जो कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटीज हैं, हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, मानवीय मूल्य क्या है, जब हम उसको नहीं जीवित कर सकते, उसकी रक्षा नहीं कर सकते, तो हम धर्म के नाम पर युद्ध कैसे कर सकते हैं। जो जो चीज हम लेकर के पैदा हुए हैं, जिस अमृत पद को हम प्राप्त किए हुए हैं, जिसके अंदर हम शांति है, हमारे मन, हमारे ऊपर ही केवल ये ईर्ष्या का, द्वेष का, राग का, मोह का, क्रोध का लेप है, भीतर तो सब आनंद ही आनंद है, भीतर तो हम सब समान हैं। यहाँ आके हम अपना उपनयन संस्कार करा करके हम कुछ और हो जाते हैं, यहाँ हम अपना खतना करवा के कुछ और हो जाते हैं, लेकिन हम वहां से तो कुछ अलग पैदा नहीं होते ना। हम सब इंसान के ही रूप में पैदा होते हैं, और हम यदि न तो हमारी कोई जाति होती है, न उस समय हमारा कोई धर्म होता है। हम जाति और धर्म तो यहाँ बनाते हैं, भाषा और क्षेत्र और मजहब तो हम यहाँ पैदा करते हैं, और जब जो चीज हम बनाते हैं और हम उसके लिए लड़ते हैं, और लोग जो है, हमारी जब समस्याएं लौकिक होती हैं, लौकिक समस्याओं का समाधान जब हम परलोक में ढूंढने लगते हैं, तब तो समस्या और ज्यादा जटिल हो जाती है। हमारी समस्या, हमारा दुख, हमारे कर्म, और उस कर्म से उत्पन्न होने वाली, चाहे वो हिंसा हो, चाहे द्वेष हो, चाहे राग हो, चाहे क्रोध हो, चाहे मोह हो, चाहे अज्ञानता हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन यदि वो तो हमारी लौकिक समस्या है, लेकिन हम उसके लिए उसका समाधान जब परलोक में ढूंढते हैं, तो हम आडंबर में फंस जाते हैं, मतंडवाद में आ जाते हैं, कर्मकांडवाद में आ जाते हैं। तब हम चाहे उसके नाम पे नरबलि करें या पशु बलि करें, उसी दिन से हम अहिंसक से हिंसक हो जाते हैं, और जब हम हिंसक हो गए तो सुख कहाँ, शांति कहाँ, हमारे सारे ज्ञान का लोप हो जाएगा, सारा सारी की सारी विद्वत्ता, सारा का सारा पांडित्य नष्ट हो जाएगा। तब केवल रह जाएगा अहंकार, अहम, और आज वही अहम हमें मनुष्य से अमनुष्य बना रहा है।
हम देव से दानव हो रहे हैं। अगर देव भी इसी मनुष्य में है और दानव भी इसी मनुष्य में है, जैसे कहा ना कि सुख और दुख दोनों छाया की तरह से है, उसी तरह से प्रेम और क्रोध, घृणा और द्वेष, प्रेम, ये सब हमारे साथ ही है। जैसे अंधेरा होता है और प्रकाश उत्पन्न होता है तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, उसी तरह से जब हमारे हृदय में प्रेम का झरना फूटता है तो क्रोध लुप्त हो जाता है, और जैसे ही क्रोध जागृत होता है तो प्रेम लुप्त हो जाता है। तो ये तो सारी की सारी बातें हमारी अपनी है, ये हमारे अपने मन के ऊपर है। यदि हमने मन को साध लिया, मानस को साध लिया, तो बुद्ध के ने धम्मपद की पहली गाथा में कहा कि मनुपबंगमा धम्मा मनोसठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वा वहतो पदं, कि मन ही सभी कर्मों का अगुआ है, मन ही सभी कर्मों का अग्रगामी है। बिना मन में कोई बात विचार आए कोई काम ही नहीं हो सकता। हम जैसा मन से सोचते हैं वैसा ही करते हैं। बिना मन में अगर कोई विचार ही ना आए तो हम कोई काम ना करें। यदि हमने राग जगाया तो उसका परिणाम, द्वेष जगाया तो उसका परिणाम। तो ये सारी की सारी, जब हम इन अकुशल कर्मों, अकुशल भावना, अकुशल विचारों से भर जाते हैं तब हम दानव हो जाते हैं, और जब हम दया प्रेम करुणा मैत्री भातृत्व भाव से भरे होते हैं तो हम देव होते हैं। तो ये इस फर्क को हमें समझना होगा कि कुशल धर्म क्या है, अकुशल धर्म क्या है। लोग धर्म नहीं समझ पा रहे, धर्म के नाम पे लोग चोला बदल बदल करके लोग कह रहे हैं कि ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म, मेरा अच्छा तेरा बुरा। ये सारी चीजें, ये सारी अज्ञानतावश है। कभी उन संतों गुरुओं को, ऋषि मुनियों को आपस में नहीं लड़ते देखा होगा, लड़ते हम अज्ञानी लोग हैं। उन लोगों ने तो सबको समान दृष्टि से देखा, उनके लिए तो सब नर समान थे, उनके लिए कोई जाति नहीं थी, उनके लिए कोई धर्म नहीं था, उनके लिए कोई भाषा नहीं थी, उनके लिए कोई क्षेत्र भी नहीं था, उनके लिए तो केवल नर समान थे। और मनुष्यों में तो जाति केवल दो ही बताई, नर और मादा, पुरुष और स्त्री, यही दो जाति है। ये तो जाति बनाने वाले लोग षड्यंत्रकारी थे, जिन लोगों ने समाज को बांटने के लिए, तोड़ने के लिए, काटने के लिए और अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए ये सब सारी की सारी चीजें स्थापित की। वरना हम सब, मैंने पहले ही कहा कि जो है भगवान बुद्ध ने एक जगह कहा कि न जच्चा वसल होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमोना वसल होती कमोना होती ब्राह्मणों। व्यक्ति जन्म से न शूद्र होता है न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, व्यक्ति कर्म से ही शूद्र होता है और कर्म से ही ब्राह्मण होता है। यदि कोई ब्राह्मण भी अगर नीच कर्म करेगा तो नीच ही कहा जाएगा, और यदि कोई शूद्र जो है अगर उसमें जन्मा हुआ, अगर वो अच्छा कर्म करेगा तो वो भी अच्छा कहा जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, बुद्ध को हमें समझना होगा। बुद्ध ने कोई धर्म नहीं चलाया था, ये तो बाद में उनके अनुयायियों ने उसको मजहब का नाम दे दिया। दुनिया में होड़ लगी थी, मार्केट में सब चीज बिक रही थी, तो उन्होंने भी कहा होगा नहीं, वरना उनका तो धर्म धम्म था। उन्होंने लोगों को केवल उन्मुक्त भाव से, बिना उसका घर पूछे, बिना उसकी गांव पूछे, बिना उसकी जाति पूछे, बिना उसका कुछ पूछे, केवल उसको अपनी करुणा का पात्र समझा, अपनी दया का पात्र समझा, और उसके दुख दूर करने के लिए उन्होंने केवल मार्ग बताया। इसीलिए भगवान बुद्ध मुक्ति दाता नहीं है, वो केवल मार्ग दाता है, और उन्होंने केवल दुनिया को मार्ग ही बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति बुद्ध हो सकता है, बस वो क्या कहते हैं, इस मार्ग का अनुसरण कर ले। और उन्होंने जो पाया वो सारे संसार को दिया। उन्होंने कोई आचार मुष्टि नहीं रखी, अपने पास कुछ छिपा के बचा के नहीं रखा कि मैं ये फलाने को दूंगा और ये धमाके को दूंगा, ऐसा कुछ नहीं किया। या मैं उच्च कुलीन व्यक्ति को दूंगा या मैं निम्न कुलीन व्यक्ति को दूंगा, ऐसा कुछ नहीं किया बुद्ध ने। बुद्ध ने सब के लिए जो भी उनके सामने पड़ा वो सारा का सारा उनकी दया के पात्र हो गया, है ना। तो जब तक हमारे विचारों में, हमारे मन में, हमारी भावनाओं में शैतान और भगवान
दो चीजें दोनों नेत्रों से हम देखते रहेंगे तब तक हम अज्ञानी और अबोध रहेंगे। जिस दिन यह भाव हमारे मन से मिट जाए कि कोई शैतान है और कोई भगवान है, उस दिन हमारी दृष्टि सम हो जाएगी, सम दृष्टि हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने भी कहा कि पाप से घृणा करो लेकिन पापी से नहीं। अंगुलीमाल जैसा अहिंसक, इसी श्रावस्ती में हिंसक जो है अहिंसक हो जाता है, वो भी उनकी दया का पात्र बनता है। अम्रपाली जैसी गणिका, जिसको आज समाज में स्त्री अगर एक पुरुष के साथ चली जाए तो उसको सम्मान नहीं प्राप्त होता, जो तो जिसका पेशा ही अगर वो हो तो उसको कौन संघ में सम्मिलित करेगा, तो उसको भी वही सम्मान दिया जो किसी कुलकुमारी को दिया, चाहे वो किसी राजकुमारी को दिया। तो उनकी दृष्टि में सब सम थे। और उनके अब आप उनके यहाँ देखिए, जब सिद्धार्थ और कपिल वस्तु को त्याग करके जब उसके छह राजकुमार आते हैं और उनमें जो है एक उपाली आते हैं, तो उपाली की दीक्षा पहले होती है क्योंकि वो पेशे से नाई है। और शाक्यों शाक्य चूंकि अपने को सिंह कहते हैं और उनमें अहंकार होता है, तो कहीं अहंकार से उपाली की उपेक्षा न करें, तो इसलिए उपाली की दीक्षा पहले होती है, उपाली सीनियर होता है। तो उससे भी उन्होंने लोगों का अहंकार नष्ट किया। तो ये बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें बड़े अच्छे ढंग से सीखना होगा, समझना होगा, जानना होगा और समाज में इस बात का प्रचार करना होगा। हम धर्म गुरुओं को भी अपने उपदेशों में लोक व्यवहार सिखाने होंगे। दर्शन फिलॉसफी की बहुत ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े दर्शन इन गरीबों को और कम पढ़े लिखे लोगों को नहीं समझ में आना। इनके तो जीवन में जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, जो इनकी रोज़मर्रा की मुश्किलें हैं, इसके समाधान में धर्म कैसे सहायक हो सकता है। इनके जीवन में जो कष्ट पैदा हो रहे हैं, जो इनकी अज्ञानता से हैं, जो ये लड़ रहे हैं खेत के नाम पे, खलिहान के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इनकी ये अज्ञानता समाप्त करनी होगी। ये धर्म हमारा होगा, तब कहीं जा करके होगी हमारी शिक्षा। और धर्म गुरुओं का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि आचार्य होता है धर्मगुरु। और जब कहते हैं कि आचार्य यदि शीलवान हो, सदाचारी हो, न्यायी हो, धर्मी हो, तो वो अपने समूह को उस चरवाहे की तरह से हाँकता है कि जैसे एक कुशल चरवाहा होता है, और जब वो गऊओं को लेकर के जाता है तो किसी समय संयोग से चराने के लिए जब जाता है, और नदी में किसी समय मूसलाधार वर्षा होने से धारा का प्रवाह बहुत अधिक हो जाता है, तो नदी नाले एकदम बहने लगते हैं, तो वो उस अज्ञानी की तरह नहीं होता, चरवाहे की तरह से कि सबको डंडा मार के हाँकता है। वो पहले सबसे पहले उस मजबूत बैल को हाँकता है जो बलिष्ठ होता है और जिसके पास अनुभव होता है, और उसको भी उस जगह से हाँकता है कि पहले वो धारा को देख लेता है कि धारा किस तरफ बह रही है, और ये बैल उतरेगा तो उस पार चला जाएगा। तो पहले उस बैल को उतारता है, उसके पीछे गऊए को उतारता है, उसके पीछे बछड़ों को उतारता है, तब बछियों को उतारता है, और तब उसके बाद यदि कोई उसके सामने छोटा सा बच्चा जानवर, चाहे वो गऊ का बछिया हो या बछड़ा हो, यदि वो तैरना नहीं जानता, पानी में डूबने का डर हो, तो उसको अपने कंधे पे लेकर के पार कराता है। और जो अकुशल चरवाहा होता है वो लेके डंडा सबको हाँकने लगता है, जो जैसे फाट पड़ा, उसमें कितने बह गए, कितने बच गए, जो बच गए वो किस्मत वाले थे, जो डूब गए वो राम रहीम के चेला थे। तो इनके जैसा आचार्य बन जाए तो पूरा का पूरा समाज ही जो है गाली खाने लगे। तो ये भी बहुत जरूरत है कि हमें वो है, जैसे ये विद्यालय का प्रांगण है, बच्चे हैं यहाँ। एक मैंने छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, कि बहुत छोटी सी है, कि जैसे ये बच्चे हैं, इनके जीवन पे हम इनके किताबों से चाहे जितना पढ़ा दें, इनके जीवन में उसका केवल 25% ही सीख पाएंगे, क्योंकि वो शब्द हैं, शब्दों ही कंठस्थ कर सकेंगे। जब तक वो याद रहेंगे तब तक वो काम करेंगे, जब भूल जाएंगे वो काम करना बंद कर देंगे। वो केवल 25% जीवन में प्रभावित करते हैं, बाकी जो 75% जो चीज़ें हैं वो इनके जो गुरु हैं
इनके जो आचार्य हैं, अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, उनके अपने आचरण से, उनके अपने व्यवहार से, अपने उनके गुण से, उनके अपने शालीनता से, उनकी अपनी मधुरता से वो सारी चीज़ें वो धारण करते हैं। क्योंकि बच्चे देख करके लर्न करते हैं, देख करके वही सीखते हैं जो उनके अगल बगल घटनाएं घटित होती हैं। तो उसी तरह से एक राजा था, उसके नगर से व्यापारी गुजरते थे, और उस मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ क्या? अगर दो चार मिनट और मैंने तो उसके नगर से चूंकि व्यापारी एक गुजरता था, तो वो बड़े ही ऊंची नस्ल के घोड़ों का व्यापार करता था वो व्यापारी, और अरेबियन घोड़े उसके पास थे, अरब के घोड़े बड़े अच्छे माने जाते थे। तो जब वो लौटा तो उसके सब बिक गए थे, लेकिन उसने जो है चूंकि एक घोड़ा जो है उसकी घोड़ी गर्भ से थी और वो बिकी नहीं थी, तो उसको लेके आया। रास्ते में उसने एक घोड़ी ने बड़े ही अच्छे घोड़े का जन्म किया, बछड़े मतलब घोड़े के बच्चे को जन्म दिया। वो बड़ा खुश हुआ क्योंकि बच्चा तो सबको प्यारा। उसने क्या किया, राजा को कर के रूप में, वो पुरस्कार के रूप में वो घोड़ा के बच्चे को दान किया, दिया उसको। तो राजा भी बड़ा खुश हुआ, कहा अरे वाह, बड़ी अच्छी नस्ल का है, इसकी माँ का इतिहास, इसकी नानी का इतिहास, इसकी दादी का इतिहास, सब इतिहास बताया उस नस्ल का। तो उसको भी बड़ी प्रसन्नता हुई, तो उसने उस घोड़े को ले लिया। अब जब ले तो लिया, लेकिन उसको चिंता ये हुई कि इस घोड़े को जो है ट्रेंड कौन करेगा, इसको सिखाएगा कौन। तो ये देखा कि हमारे नगर में, हमारे राज्य में सबसे अच्छा घोड़ों का जो शिक्षक है वो कौन है। तो पता ये चला कि सबसे अच्छा जो था वो तो अब बेचारा बहुत बूढ़ा हो गया, अब तो वो नौकरी भी छोड़ गया है, नौकरी छोड़ गया। तो कहे नहीं, राजा का आदेश तो आदेश, क्या बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, उसको ले आओ, उसको डबल पैसा दो, ट्रिपल पैसा दो, कम काम करेगा लेकिन उसी से सिखवाओ। अब घोड़े को राजा का आदेश, राजा का आदेश उस बूढ़े को मानना पड़ा। अब वो सिखाया, वो चूंकि सभी कला में पारंगत था, तो उसने घोड़े को तो बहुत अच्छा पारंगत किया। एक साल की ट्रेनिंग में उसको इतना बढ़िया कर दिया कि मत पूछिए, वो घुड़सवारी हो या ऊंची कूद हो या डांकना नालना हो या कूदना हो, मतलब तीर भाला बल्लम हर चीज को सह करके, मतलब हवा के वेग के समान उसको कौशल उसके अंदर उत्पन्न किया। जब सारा कौशल, जब नगर का जो है क्या हुआ कि उसकी घोड़े की परीक्षा होने लगी, और परीक्षा में नगर का सारा प्रांगण सजा और उस घोड़े का कौशल देखने के लिए पूरा समूह इकट्ठा हुआ। राजा भी आया, घोड़े को सब दिखाया गया, घोड़ा सबसे नंबर एक आया, सारी में पास हो गया। अंत में ये हुआ कि अब घोड़ा को राज्य की सेवा में, राजा की सवारी में लगा दिया जाए और राजस्थल में इसको दे दिया जाए। तो घोड़ा को लेके जब जाने लगे तो घोड़ा जैसे ही चला वैसे भचकने लगा। भचकना समझते हैं ना, जैसे आपके घुटने में दर्द हो कोई बूढ़े आदमी के, तो वो पैर पड़ते ही टीस उभरती है, तो उसी तरह से भचक रहा था। तो भचकने लगा, तो लोग कह रहे, कानाफूसी होने लगी कि ये तो घोड़ा जो है भचक रहा है। तो ये हुआ, देखो भाई इसको क्या हुआ, तमाम वैद्य डॉक्टर या जो कुछ भी आए, लोग देखे, उठाए, टांग उठाए, सब कुछ किए, घोड़ा कहीं कोई किल नहीं गड़ी, कोई कांटा शीशा नहीं गड़ा, कहीं कुछ नहीं हुआ, फिर घोड़ा भचक रहा। फिर दौड़ाया गया, बहुत तेज दौड़ा, फिर जब चलाया गया तो फिर भचकने लगा। उठाया, बैठाया, हर तरह से उसका परीक्षण किया गया, लेकिन उसके कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वो धीरे कदम चलता था तो भचकता था। अब ये हुआ कि भाई इतना अच्छा नस्ल का घोड़ा, सब कुछ ट्रेन, सब कुछ है, लेकिन ये भचक क्यों रहा। तो राजा परेशान, प्रजा परेशान, सब परेशान, मंत्रीगण परेशान। तो राजा ने अपने एक मंत्री से पूछा, भाई ये है क्या समस्या, इसका समाधान क्या है। तो मंत्री थोड़ा होशियार था, वो बीरबल की तरह रहा होगा, अशोक बीरबल के किस्से सुने हैं ना, उस तरह का रहा होगा। उसने ये कहा कि सब दिमाग लगाने के बाद उसने ये देखा कि इसको ट्रेंड करने वाला ट्रेनर कौन है, इसका जो जाकी है वो ट्रेनर वो कौन है, उसको बुलाया जाए। जब उसको बुलाया गया तो वो चूंकि बुजुर्ग हो गया था, और वो जब चलता था तो भचक के चलता था, वो जब चलता था तो भचक के चलता था। तो घोड़े ने सब कुछ सीखा, लेकिन उसका भचकना भी सीख लिया, क्योंकि वो अच्छी नस्ल का घोड़ा था, है ना। तो उसने वो भी सीख लिया। तो ऐसे ही ये बच्चे हैं, ये बड़ी अच्छी नस्ल के हैं,
इनके अध्यापक बंधु अगर इन्हें जो सिखाएंगे वो ये सीख लेंगे, है ना, तो उनका गुण भी सीखेंगे, उनका अवगुण भी सीखेंगे। इसलिए हम गुरुजनों की भी बड़ी जिम्मेदारी है समाज के ऊपर कि हम समाज को क्या सिखा रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो हमें अगर विश्व में शांति चाहिए तो अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने कर्म, अपने वाणी, अपनी सारी चीज़ों में भी हमें उसी तरह का व्यवहार और आचरण करना चाहिए। पुनः मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले इस सर्व शिक्षा सेवा समिति के सारे आयोजक बंधुओं को और आप सब श्रोता बंधुओं को, सभी लोगों को, सभी धर्मगुरुओं को मैं अपनी ओर से ढेर सारी मंगल कामना करता हूं और क्या कहते हैं सबके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यापित करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बड़े धैर्य के साथ सुना और पुनः ये आयोजन इसी तरह होता रहे। यहां से जो ये रोशनी फैले, निसंदेह इसके प्रकाश से पूरी दुनिया को एक रोशनी मिले, इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को विराम देते हुए सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल।